हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अभी की छवि। सो आज गाइस मैंने अनुच्छेद लिखा है, पेड़ हमारी फ्रेंड है, मित्र है। जो मैंने अनुच्छेद लिखा है कि ट्रीज जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमें अपने आसपास नीम, आम, जामुन और पीपल आदि अनेक पेड़ देखने को मिलते हैं। यह हमारे ऐसे मित्र होते हैं जो हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ होते हैं जो देते हैं। जो ट्रीज होते हैं वो हमारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हमसे कुछ भी नहीं मांगते लेकिन हमें बहुत कुछ देते हैं। जैसे पेड़ों से हमें ठंडी व ताज़ी हवा मिलती है। जो ट्रीज होते हैं हमें उनसे ठंडी कोल्ड एंड फ्रेश एयर मिलती है, छाया तथा ऑक्सीजन मिलते हैं। छाया और ऑक्सीजन भी मिलते हैं। ऑक्सीजन को हिंदी में प्राणवायु कहते हैं। जो ऑक्सीजन होता है उसे हम हिंदी में प्राणवायु कहते हैं। इसे हम पेड़ों के बिना नहीं पा सकते। जो ऑक्सीजन होता है उसे हम ट्रीज के बिना नहीं पा सकते हैं, और ऑक्सीजन के बिना हम जी भी नहीं सकते हैं। हमें पेड़ों से फल, लकड़ी, दवाई, रबड़ व अनेक उपयोगी वस्तु मिलते हैं। जो ट्रीज होते हैं हमें उनसे फ्रूट्स, वुड, मेडिसन्स, रबड़ और भी हमारे काम में आने वाली चीज़ें मिलती हैं हमसे उनसे। पेड़ हमारी धरती के तापमान को संतुलित रखते हैं। जो ट्रीज होते हैं हमारे अर्थ के जो टेम्परेचर होते हैं उसको मेंटेन रखती है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़ के रखती है। जो ट्रीज की रूट्स होती है वो सोइल को एकदम टाइट अटैच रखती है, वैसे टाइट से पकड़ के रखती है। पेड़ों की नमी के कारण जल चक्र चलता है। जो ट्रीज की मॉइस्चराइजर होती है उसके कारण ही वाटर साइकिल चलती है। इसलिए पेड़ हमारे सच्चे मित्र होते हैं। इसी कारण से ट्रीज जो होते हैं हमारे वो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं। हमें इनको काटना नहीं चाहिए बल्कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए बल्कि मोर देन मोर ट्रीज लगाने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।